Good morning to dear student. Welcome to EVM online classes. I am your sir Chetan Sharma. बच्चों ऑनलाइन क्लासेस में हमारा क्लास सेवन सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर थर्ड रनिंग चल रहा था. चैप्टर नंबर थर्ड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी पैटर्न दिस नेम इज द फाइबर टू फैब्रिक. इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट टू द हाउ डज द फाइबर मेक टू अ रेडीमेड क्लोथ्स. इट मीन्स मेक टू अ फैब्रिक्स. ओके सो इन दिस सिक्वेंस वी हैव द अंडरस्टूड अबाउट टू द हाउ वॉट इज द फाइबर and what are the categories of the fiber. One of the natural fiber and second is the artificial fiber. Natural fiber which we obtain from to the either by to the plants or animals. Plant fiber we have not discussed because we have already discussed into the 6th standard. Now the 7th standard we have only the focus on to the animals fibers. Animal fiber in the there are again dividing into the two parts. One of the wool and second is silk. Wool is already we have discussed what are the wool yielding animals, which are the wool yielding animals, where they are found in our India. Okay, what are there the breed species and how does the wool make to a fabric, what are the processes, what are the steps we have already completed. Now in this module, in this video segment we have discussed about to the another animal fiber which is called silk. बच्चों आज के जो वीडियो सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे वो एनिमल फाइबर यानी कि दूसरे टाइप का वूल पढ़ चुके हैं हम लोग. आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फाइबर सिल्क के बारे में. अब बच्चों सिल्क को हिंदी में क्या कहा जाता है? सिल्क को रेशम कहा जाता है ना. अब सिल्क एक्चुअली अगर देखा जाए तो जनरली वे में सिल्क सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर कहलाता है. अगर नेचुरली अगर ऑप्टेनिंग कोई भी फाइबर होगा, चाहे कॉटन की मैं बात कर दूँ, जूट की बात कर दूँ या वूल की भी ले लूँ, तो इन सब में से होल क्राइटेरिया में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फाइबर होता है वो सिल्क होता है. यही रीज़न है कि ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है. जो नेचुरल सिल्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ना. और इनका ऑप्टेनिंग प्रोसेस भी थोड़ा अलग है. इनके लिए एक लाइफ साइकिल सजेस्ट की जाती है. लाइफ साइकिल होती है जो कि एक पर्टिकुलर इंसेक्ट की होती है. वहाँ से उसके कोकून से हम लोगों को सिल्क जो फाइबर है वो बनाया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ वी आर कमिंग ऑन टू अवर टॉपिक. ओके सिल्क द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सिल्क इट इज़ अ नेचुरल एनिमल प्रोटीन फाइबर. अब बच्चों मैंने आप लोगों को क्या कहा कि पहली बात तो ये कि ये नेचुरली ऑब्टेंड है यानी कि इसको आर्टिफिशियली सिंथेटिक नहीं किया जा सकता. दूसरा ये एनिमल्स के प्रोटीन से बनता है. एनिमल्स के प्रोटीन बोले तो इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला एक इंसेक्ट होता है जो कि अपना कोकून देता है और कोकून को बॉयल करके फिर वहाँ से इसका एक फाइबर जो थ्रेड जो है वो फिलामेंट अलग किया जाता है. तो ये एनिमल्स के प्रोटीन से बना होता है. तो प्रोटीन की बनी हुई चीज़ें जो होगी, प्रोटीन के थ्रेड जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं. यही रीज़न है कि सिल्क का फाइबर जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. सेकेंड पॉइंट, सिल्क फाइबर कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट. सिल्क फाइबर को कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है? एक इंसेक्ट से ऑप्टेन किया जाता है. उस इंसेक्ट को सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ बोला जाता है. और मैं आप लोगों को बच्चों इसका अगर मैं साइंटिफिकली नेम बताऊँ मैं आप लोगों को तो बॉम्बस मॉरी होता है. ठीक है ना. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसका साइंटिफिक नेम भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा 10th स्टैंडर्ड में, RBSE बोर्ड में या अदर कोई स्टेट बोर्ड में. तो सिल्क वॉर्म यू कैन इन द साइंटिफिक नेम इट इज़ कॉल्ड अ बॉम्बस मॉरी. ओके थर्ड पॉइंट, तो आप लोगों को ये भी पता चल गया. फर्स्ट पॉइंट में ये पता चल गया ये नेचुरली एनिमल ऑब्टेनिंग फाइबर होता है. दूसरा ये किस इंसेक्ट से, किस एनिमल से आया उस इंसेक्ट का नाम भी पता चल गया. ये सिल्क मॉथ से आया है या कई कई बुकों में इसको सिल्क वॉर्म भी लिखा होगा. तो वॉर्म है ये एक प्रकार की, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिल्क मॉथ, अब ये पाई कहाँ जाते बच्चों वो मैंने थर्ड पॉइंट पर मेंशन किया हुआ है. सिल्क मॉथ लाइव्स ऑन द मलबेरी प्लांट लीव. जो मलबेरी प्लांट होते हैं, अब मलबेरी प्लांट का मतलब हो गया सैतूत. ठीक है ना. बड़े बड़े क्या होता है, बांसवाड़ा चले जाइए अपने राजस्थान में, मैं बता रहा हूँ प्रतापगढ़ में चले जाइए, तो यहाँ पर क्या होता है राजसमंद वगैरह में बड़े बड़े डेंस ट्री होते हैं और वहाँ पर एक मलबेरी ट्रीज होता है. मलबेरी ट्री यानी कि सैतूत की पत्तियों पर ये सिल्क वॉर्म जो होती है वो पाई जाती है. अब मैं सिल्क वॉर्म का आप लोगों को एक जनरल स्ट्रक्चर बता दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सिल्क वॉर्म होती कैसी है. इधर देखना बच्चों, सिल्क वॉर्म कुछ इस तरह की होती है. ठीक है ना. और ये इसका एक माउथ स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद में इसके ही सेगमेंट बने हुए होते हैं. ठीक है ना. तो ये सिल्क वॉर्म होती है. अब ये सिल्क वॉर्म क्या करेगी, यहाँ पर इसका माउथ होगा और इस तरह से ये सिल्क वॉर्म क्या करती है, ध्यान से सुनना बच्चों. ये एक ट्री की लीफ पर रहती है. इस लीफ को बोला जाता है मलबेरी लीव्स, जिसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हो सैतूत.
सहतूत, ये सहतूत की पत्तियों पर ही रहती है, ये वर्म्स यहाँ पर ही पाई जाती है इस तरह से, और ये इसी को एज ए न्यूट्रिशन के तौर पर यूज़ करती है, यानी कि इसकी जो फीडिंग है, इसका जो फूड होता है वो ये लीफ ही होता है ना, तो इसीलिए यही रीज़न है कि ये यहाँ पर ही पाई जाती है। नेक्स्ट, सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा, अदर कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर में से सिल्क होता है, इसी कारण ये थोड़ा कॉस्टली भी है ना। नेक्स्ट आ जाता है सेरिकल्चर। अब ये सेरिकल्चर क्या हो गया, आजकल क्या किया जाता है बच्चों कि जनरली सिल्क वॉर्म को एक साथ में रियरिंग करवाया जाता है, रियरिंग का मतलब तो इनका पालन पोषण करवाया जाता है, तो लार्ज अमाउंट में सिल्क वॉर्म को रख दिया जाता है और फिर उसको रियरिंग करवाते हैं, उनके लिए मलबेरी लीव्स खुद लेकर आते हैं जो इनके सिल्क का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे पर्सन जो सिल्क प्रोडक्शन करवा रहे हैं या इससे इंगेज है, इस प्रोडक्शन हाउस से इंगेज होते हैं, ऐसे पर्सन बहुत सारे लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर सिल्क वॉर्म को इकट्ठा करते हैं और उनको एक जगह पर लाकर रख देते हैं और इनको फीडिंग के लिए ये मलबेरी लीव्स उनको लाकर दे दी जाती है ताकि वो उनका फीडिंग करती रहे और उनसे वो कोकून या अपना एक लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करती रहे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से पर्सन के द्वारा करवाया जाने वाला एक प्रोसेस होता है, इसको सिल्क फार्मिंग भी बोला जाता है, यू कैन से डैट सेरिकल्चर एज अ सिल्क फार्मिंग। तो सिल्क की भी एक फार्मिंग होता है, जैसे क्रॉप की फार्मिंग होगी, एग्रीकल्चर होगा, वैसे ही सेरिकल्चर भी होता है, ठीक है ना। तो रियरिंग ऑफ द सिल्क फॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर, क्या प्रोडक्शन करने के लिए, सिल्क का फाइबर ऑब्टेन करने के लिए सिल्क फॉर्म को पाला जाता है या उसको रखा जाता है, इसी को प्रोसेस को बोला जाता है सेरिकल्चर, ठीक है ना बच्चों। यह सेरिकल्चर को आप लोग सिल्क फार्मिंग भी बोल सकते हो। सेरिकल्चर इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑक्यूपेशन माना जाता था, यानी कि सबसे पहले शुरुआती दौर में अगर बात करें, सिविलाइजेशन पीरियड की बात करें, तो जब सिल्क या फाइबर का इंट्रोड्यूस हुआ था तो सबसे पहले फार्मर लोग जो थे वो इस चीज़ से इंगेज हो गए थे और उनको देख के काफ़ी सारे लोग इससे इंगेज हो गए थे। तो कहने का मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन माना जाता था इंडिया में। फिर उसके बाद में तो अब तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो इससे जुड़ी हुई है, आर्टिफिशियल भी सिल्क बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल सिल्क तो है ही है, लेकिन इसका रिजेंबल करता हो, इसके सेम सिमिलर प्रॉपर्टी का आर्टिफिशियल सिल्क भी ऑब्टेन किया जाता है, वो थोड़ा चीप रेट में मिल जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है वो थोड़ा केमिकली प्रिपेयर्ड होता है, जबकि नेचुरल सिल्क प्योर आप लोगों का फॉर्म होता है, केमिकल इसमें एडिंग नहीं होती। ओके बच्चों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं आप लोगों को सिल्क को ऑब्टेन कैसे किया जाता है, यानी कि ये जो सिल्क मॉथ है, ये मैंने आप लोगों को जो ये वॉर्म बताई है, इसका आप लोग लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊंगा, तो बी प्रिपेयर। आप लोगों को आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि एक टीचर को मोटिवेशन मिलेगा, वो और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।